Hello, good evening, everyone. Welcome back to the playlist of biology. So today I will discuss about the polygonal, uh, sorry, polygonal cells and columnar cells. In my last video lecture, I had discussed about the different shapes of the cells that we have. In that uh, video lecture, I had discussed about the disc-like cells, and I had taken the example of RBCs with some practical diagrams, right? सो लेट्स कंटिन्यू द लास्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट जो आपके पास शेप है दैट इज पॉलीगोनल सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वॉट इज पॉलीगॉनल सेल्स पॉलीगॉन सभी को पता है इस तरीके से पॉलीगॉन आपका बनता है उसकी कितनी भी साइड्स हो सकती हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव तो ये क्या बना आपका पैंटागॉन बना मीन्स इसमें कितनी साइड्स हैं फाइव हैं मीन्स स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस को अगर आप ज्वाइन करते जाओगे जितने नंबर ऑफ साइड्स आपकी बनती जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम होगा जैसे फाइव साइड्स हैं तो पैंटागॉन हो गया सिक्स हैं तो आपके पास हैगजोग हो गया सेवन है हेप्टागॉन है ऑक्टागॉन ठीक है इस तरीके से आपके पास जो है पॉली मीन्स उसकी कोई डेफिनेट नंबरिंग नहीं है कि वो कितनी साइड्स होंगी उसमें बस एट अ टाइम आपने जब किसी सेल को नोटिस किया उसके साइड्स को काउंट कीजिए कि उसमें कितनी साइड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका नेम सजेस्ट कर सकते हैं राइट पॉली का मीन्स होता है मैनी पॉलीगोनल सेल्स अ क्लोज फिगर ज्वाइंट विद स्ट्रेट लाइन्स क्लोज जैसा मैंने अभी आपको दिखाया बंद फिगर है विथ फोर और फाइव साइड्स और मोर फोर या फाइव या उससे ज्यादा जितनी भी साइड्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली उसका नेम होगा अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ साइड्स को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कितना काउंट है उनका तो आप उसको नाम दे दोगे पॉली मीन्स मैनी एग्जाम्पल के लिए पॉलीगोनल सेल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी ठीक है एपीथीलियल सेल्स आर अ टाइप ऑफ सेल पॉलीगोनल सेल्स में आपकी आती है एपीथीलियल सेल्स दैट लाइन्स इन द सर्फेस ऑफ अवर बॉडी मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी सेल्स के सर्फेस पे आपको एपिथीलियल सेल्स मिलेंगे दे आर फाउंड ऑन अवर स्किन एपिथीलियल सेल्स आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे हमारी स्किन के ऊपर ब्लड वसल्स के ऊपर यूरिनरी ट्रैक में एंड ऑर्गन्स और भी बहुत सारे ऑर्गनस हमारी बॉडी में हैं उनके आउटर सर्फेस पर आपको एपीथीलियल सेल्स मिलेंगे राइट right? आप ये बोल सकते हो कि वो एपीथीलियल सेल्स जो हैं एक मैमब्रेन की तरह आउटर सर्फेस मैम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं इट्स नॉर्मल टू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन अवर यूरिन अगर आप यूरिन टेस्ट करवाते हो उसमें अगर थोड़ा सा एपिथेलियल सेल्स का अमाउंट अगर निकलता है आपका तो वो नॉर्मल होता है राइट नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अब शेप्स देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है पॉलीगोनल अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स अगर हम बात करें एपिथेलियल सेल्स की तो उस एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है उसमें पॉलीगॉनल सेल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं तो ये देखिए इस तरीके से अरेंज होते हैं डायग्राम को आप देख सकते हैं ये देखिए पॉलीगॉन्स आपस में अटैच्ड हैं राइट नाउ अब एपिथेलियल सेल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये तो हमें पता चल गया कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं या एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है ठीक है अब सिंगल एपिथेलियल जो लेयर है आपकी वो सिंगल सेल से तो बनी नहीं होगी बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होंगे बहुत सारे सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है टिश्यू बनता है टिश्यूज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं ठीक है ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है तो अब हम ये बोल रहे हैं कि जो पॉलीगोनल सेल्स है वो आपको एपिथेलियल टिश्यूज में मिलती है मींस जो एपिथेलियल लेयर होती है वो पॉलीगोनल सेल्स से मिलकर बनी होती है अब हम ये समझेंगे कि एक्चुअल एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज क्या होते हैं तो हम बात करते हैं एपिथीलियल टिश्यू की टीशू मैंने आपको पहले ही बताया सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है टिश्यू बनता है ठीक है तो एपिथीलियल सेल्स आर वाइड स्प्रेड आउट द बॉडी एपिथीलियल सेल्स आपको हमारी पूरी बॉडी में मिलेंगे दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेसेस हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं उनके जितने सर्फेसिज हैं उनकी कवरिंग में आपको एपिथीलियल टिशू की लेयरिंग मिलेगी लाइन बॉडी कैविटीज़ एंड हॉलो ऑर्गन जो ऑर्गन खाली होते हैं उनको भी कवर करता है एंड आर द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड अगर हम ग्लैंड की बात करें तो उसमें जो एपिथीलियल टिशू है वो एक मेज़र रोल प्ले करता है दे परफॉर्म अ वाइटी ऑफ फंक्शंस एक्चुअली एपिथीलियल टिश्यू का या एपीथीलियल लेयर का काम क्या होता है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इंक्लूड प्रोटेक्शन सिक्रीशन ऑब्जॉर्बशन एक्सक्रीशन फिल्ट्रेशन डिफ्यूज़न सेंसरी रिसेप्शन अब यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ को ध्यान से देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेल है इसकी जो आउटर कवरिंग है ये अगर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर से सराउंडेड है तो इस लेयर का काम क्या है वो काम आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस लेयर का काम है प्रोटेक्शन सेल को प्रोटेक्ट करना ताकि सेल के अंदर जो बाकी ऑर्गेनल्स या बाकी जो आपके पास मटेरियल है उसमें कोई हार्म ना हो ठीक है सिक्रीशन जो भी सेल सिक्रिएट करेगा बाहर के इन्वायमेंट से कुछ आप ले रहे हो या सिक्रीट कर रहे हो उस वो सारी चीज़ें ये मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है एब्जॉपशन का एब्जॉपशन मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्व करना बाहर अगर कोई वाटर है कोई मटेरियल है उसको एब्जॉर्व करना चाहते हैं सेल की न्यूट्रिशन के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है इस चीज़ में हेल्प करता है एक्सक्रीशन अगर कोई वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इस एपिथेलियल टिश्यू लेयर के थ्रू बाहर निकल जाएगा फिल्ट्रेशन फ़िल्टर करना है अगर कुछ मीन्स जो मटेरियल चाहिए उसको रखना है जो नहीं चाहिए उसको एक्सक्रीट करना है तो फिल्ट्रेशन का काम करती है ये लेयर डिफ्यूज़न का ठीक है डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया था हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन सेंसरी रिसेप्शन का अगर बाहर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो सेंस से भी मतलब वो चेंजेस आपके डिटेक्ट होते हैं तो ये काम है किसका एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है सराउंडिंग द सेल्स राइट नाव नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल्यूम समझ आ गया ना सभी को पॉलीगोनल सेल्स में आपने एग्जाम्पल देना है एपिथीलियल सेल्स का और एपिथीलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं सेल्स क्या होते हैं लेयर कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया उस लेयर का काम क्या होता है वो भी आपको क्लियर कर दिया है अब हम बात करते हैं कॉल्यूमिनार सेल्स क्या होते हैं डी सेल्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपिथीलियल्स दैट आर ऑफ कॉलम शेप कॉलम शेप के होते हैं कॉलम इज इस तरीके से आपका वर्टिकली जो आपके पास अरेंजमेंट होती है दैट इज कॉलम शेप एंड सम हैव सीलिया ऑल्सो सीलिया क्या होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल के साथ अगर वो स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं तो वो सेल को मूव करने में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं ठीक है नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉल्यमार सेल्स कॉल्यमनार सेल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं these type of cells generally found in epithelial lining of digestive tract, digestive tract की epithelial lining में मिलेंगे आपको ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे जो सेल्स आपको मिलेंगे वो कॉलम शेप के मिलेंगे और इन सेल्स में आपको किन्हीं सेल्स में आपको सीलिया भी मिल सकता है ठीक है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेंगे और सेंट्रल nervous सिस्टम में और डवेल्पिंग टू न्यूरोग्लिया यहाँ पर डवेल्पिंग आना जी आना था ठीक है इसको ठीक कर लीजिएगा यानी कि नर्वस सिस्टम में आपको न्यूरोग्लिया टाइप के जो सेल्स मिलेंगे वो आपके कौन से सेल्स के अंडर आते हैं कॉलम शेप के होते हैं इसीलिए उनका नाम जो है वो कॉलमिनार सेल्स दिया हुआ है अब वन बाई वन हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम जूम करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कॉलम की तरह अरेंज है ना आपके और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको माइक्रोविलाई आप बोल सकते हैं ठीक है और एंटीरोसाइड है ये और बीच में आपका क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस है ठीक है ये विलाई है आपके अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इसका फंक्शन क्या होता है क्या होता है क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट हम शेप देख रहे हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कॉल्यूमिनार सेल्स जो हैं वो कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो आपको जस्ट नेम पता होना चाहिए अब जब अलग से आप इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे इंटेस्टाइन का कंस्ट्रक्शन उसका फंक्शन वो सारी चीज़ें तब आप ये चीज़ें सारी डिटेल में करेंगे जस्ट अभी आपने शेप्स देखना है कि इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है कॉल्यूमिनार सेल्स फाउंड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिपिकल अगर हम न्यूरॉन की बात करें और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं न्यूरॉन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं ठीक है तो इसमें भी आपको जो सेल्स मिलेंगे वो कॉलम शेप्स के होते हैं जैसे ये देखिए यहाँ पे डेंड्राइट है न्यूक्लियस है सेल बॉडी है एग्जॉन है माइलिन शीथ है स्कैन सेल्स नोड ऑफ रैन ये जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बताया अपनी कन्वीनियंस के लिए अदरवाइज़ फिलहाल अभी आपने यहाँ पर इतने याद रखना है कि जो कॉलमिनार सेल्स होते हैं दे फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन प्लस नर्व सेल्स स्पेशली इन न्यूरोग्लिया ये देखिए ग्लियल सेल्स जो होते हैं आपके न्यूरॉन के इसमें आपको मिलेंगे इन स्ट्रक्चर्स को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की नहीं है बस आपको मैंने इसलिए दिखाएं ताकि आपके माइंड में याद रहें कि एक्चुअली जो कॉलमिनार सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं ये देखिए यहाँ अलग से दिखाया हुआ जैसे ये अपनडाइमल सेल्स है ये भी किस शेप के हैं आपके कॉलम शेप्स के हैं ठीक है नाव ये देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया आपके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये भी यहाँ पर ये देखो एपिडाइमल सॉरी एपनडाइमल अगर हम बात करें ये भी कॉलम शेप के हैं यहाँ पे भी देखिए कॉलम शेप के हैं एक ये है ये एस्ट्रोसाइट्स हैं माइक्रोग्लिया है स्कैवन सेल्स हैं ठीक है मतलब ये बताया हुआ कि ये वाले जो सेल्स हैं इनमें आपको कॉलम शेप्स मिलेंगी राइट right? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आज हम लोगों ने डिस्कस किया है आपका पॉलीगोनल सेल्स क्या होते हैं और वो सेल्स आपके कौन कौन से ऑर्गन्स में या कौन कौन से बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं प्लस हमने डिस्कस किया कॉलिमनर सेल्स क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं राइट right? So, this is all about for today's lecture. Any suggestion, any query, please comment me on the comment section of YouTube. And please like, share, and subscribe my channel. Thank you so much, guys. Keep enjoying.